दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। गाइस आज की वीडियो में कंपैरिजन देखने को मिलने वाली है दो नहीं तीन स्मार्ट वॉचेस के बीच में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया होगा कि हम फायरबोल्ट इनविजिबल वर्सेस MHP GTR 2E एंड MHP GTS 2 मिनी से जो है कंपैरिजन करने वाले हैं। क्योंकि गाइस ये जो MHP की दोनों स्मार्ट वॉचेज हैं वन ऑफ द बेस्ट सेलर स्मार्ट वॉच रही है, एंड जो GTR 2E है वो तो बैटरी बैकअप के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच रही है, बाकी फीचर वाइज भी काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है। तो देखते हैं कि क्या फायरबोल्ट इनविजिबल को ये दोनों स्मार्ट वॉचेस बीट कर पाती हैं, या फिर जो फायरबोल्ट इनविजिबल इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को बीट कर देता है, या फिर जो कौन सी स्मार्ट वॉच आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाली। तो गाइस वीडियो जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोज के जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइमली। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तीनों ही स्मार्ट वॉच के बीच में डिटेल्स एनालिसिस करने के बाद जो है मुझे कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं तीनों ही स्मार्ट वॉच के बीच में। तो गाइज बात कर लेते हैं सबसे पहले फायरबोल्ट इनविजिबल वर्सेस MHP GTR 2E कि इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से दोनों स्मार्ट वॉचेस अलग होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनविजिबल की कि इसमें कौन से फीचर हैं जो कि GTR 2E में देखने को आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस देखने को मिलने वाला आपको इसमें 100 बिल्टिन वॉच फेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं पाँच नहीं दस नहीं, इसमें पूरे जो है 100 बिल्टिन वॉच फेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ देखने को मिलने वाली है आपको इसमें। इसके अलावा आपको जो है 8GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो कि मिसिंग है आपके MHP GTR 2E में। ये भी जो है एक मेजर डिफरेंस बन जाता है। साथ साथ TWS का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो अपने ईयरबड्स उनको कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है वॉच से सॉन्ग सुन सकते हैं, तो ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है आपको। इसके अलावा गाइस जो इसकी प्राइसिंग है थोड़ी सी कम है कंपेयर करेंगे MHP GTR 2E के प्राइस से। एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस प्राइस जो है चेंज होते रहते हैं जब आप बाय करेंगे, तो एग्जैक्टली आप उस समय चेक कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो आपको जो है थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो फीचर्स हैं आपको इनविजिबल में देखने को मिलेंगे, जो कि GTR 2E में मिसिंग है। बात करते हैं कि GTR 2E में कौन से फीचर हैं जो आपको इनविजिबल में देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, AMOLED डिस्प्ले के साथ एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसमें। साथ साथ गाइस ये स्मार्ट वॉच जो है काफ़ी लाइट वेट है। जी हाँ दोस्तों, 471mAh की बैटरी होने के बावजूद भी जो काफ़ी लाइट वेट है, एंड जस्ट 36 ग्राम के आसपास का वेट है विदाउट स्ट्रैप है। स्टेप लगाने के बाद अराउंड जो है 50 ग्राम के आसपास हो जाती है स्मार्ट वॉच। तो आपको जो है स्मार्ट वॉच काफ़ी लाइट वेट भी रहने वाली है। इसके अलावा गाइस जो मैंने अभी बात की कि 471mAh की बैटरी देखने को मिलती है इसमें, एंड गाइस जो बैकअप है वो कंपनी क्लेम करती है 24 डेज का नॉर्मल यूज में। तो काफ़ी इनसेन बैटरी लाइफ देखने को मिलती है स्मार्ट वॉच में, वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप वाली स्मार्ट वॉच है। तो काफ़ी जो है अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली इसमें। इसके अलावा गाइस आपको जो है बिल्ट इन GPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जिसमें डुअल GPS का सपोर्ट मिलता है, GPS प्लस GLONASS का, जो कि काफ़ी जो है आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की एक्यूरेसीज को जो है इंक्रीज़ कर देता है, एक्यूरेट कर देता है। तो काफ़ी जो है अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मिसिंग है फायरबोल्ट इनविजिबल में। इसके अलावा गाइस MHP GTR 2E की जो बॉडी है 5 ATM बॉडी देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब है कि आप स्मार्ट वॉच को जो है 50 मीटर गहरे पानी में लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ रहने वाली है, स्विम करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको स्मार्ट वॉच से। इसके अलावा गाइस आपको जो है कुछ एडिशनली सेंसर देखने को मिलते हैं, जो स्मार्ट वॉच की जो एक्यूरेसी है उसको काफ़ी इंप्रूव करते हैं, एंड काफ़ी जो है फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं स्मार्ट वॉच को। तो इसमें मिल जाता है आपको गाइस ऑटो ब्राइटनेस सेंसर, साथ साथ गाइस आपको एयर प्रेशर सेंसर देखने को मिलता है, एंड गाइस आपको जिसमें टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है। साथ साथ गाइस आपको जो इसमें वॉइस असिस्टेंट का जो है फीचर भी देखने को मिल जाता है। गाइस आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं फायरबोल्ट इनविजिबल एंड MHP GTR 2E के बीच में। तो बात करते हैं गाइस अगर हम फायरबोल्ट इनविजिबल वर्सेस MHP GTS 2 मिनी की, कि इन दोनों स्मार्ट वॉच के कंपैरिजन में जो है कौन स्मार्ट वॉच आगे निकलती है। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले इनविजिबल की, इसमें कौन सा फीचर है जो कि GTS 2 मिनी में मिसिंग है। तो गाइस आपको फीचर वो सारे सेम ही देखने को मिलेंगे जो कि GTR 2E के कंपैरिजन में मिले थे, जैसे कि 100 बिल्ट इन वॉच फेस का सपोर्ट, 8GB इंटरनल स्टोरेज, TWS का सपोर्ट गाइस। तो गाइस ये कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे MHP GTS 2 मिनी के कंपैरिजन में। वहीं बात करें कि MHP GTS 2 मिनी में कौन से फीचर देखने को मिलते हैं जो कि इनविजिबल में मिसिंग है,
तो गाइस सेम आपको जो है डिस्प्ले पर एमुलेट के साथ साथ एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस आपको जो है बिल्ट इन जीपीएस का सपोर्ट GTS 2 मिनी में भी देखने को मिलती है, जो कि इसकी एक्यूरेसी को काफी अच्छी कर देती है, जिनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है आउटडोर की काफी एक्यूरेट हो जाते हैं। गाइस ये स्मार्ट वॉच भी काफी लाइट वेट रहती है एंड आपको इसमें भी वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाता है। साथ साथ गाइस आपको इसमें भी कुछ एडिशनल सेंसर देखने को मिलते हैं जो स्मार्ट वॉच को काफ़ी अच्छा बनाते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के हिसाब से अगर देखें। इसमें भी गाइस आपको जो है ऑटो ब्राइटनेस सेंसर देखने को मिल जाता है, एल्टीमीटर है गाइस एंड साथ साथ गाइस एयर प्रेशर सेंसर भी देखने को मिलता है। तो सेंसर वाइज काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच हैं GTR 2e एंड GTS 2 मिनी, जो कि एक स्मार्ट वॉच की जो स्मार्ट फीचर है उनको अच्छा बनाते हैं। तो ये जो है दोनों स्मार्ट वॉचेस की खासियत है। तो गाइस ये कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में, सॉरी इन तीनों ही स्मार्ट वॉचेस के बीच में। बात करें कि कौन सी स्मार्ट वॉच वैल्यू फॉर मनी रहती है, कौन सी स्मार्ट वॉच एक्चुअल में जो है हमें बाय करनी चाहिए। तो गाइस जब हमने इनविंसिबल एंड GTR 2e का कंपैरिजन किया था तो आपको कुछ फीचर जो है इनविजिबल में दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में कॉमन ही देखने को मिले हैं, जो कि अलग हैं। अदरवाइज आपको जो है GTR 2e एंड GTS 2 मिनी में जो है काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, सेंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको जो है बिल्ट इन स्टोरेज चाहिए, TWS का सपोर्ट चाहिए, तो गाइज आप जो हैं इनविजिबल को बाय कर सकते हो। बट एक्यूरेसी गाइज उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको जितनी GTR 2e में मिलेगी एंड MHP GTS 2 मिनी में मिलेगी, क्योंकि दोनों ही परफॉर्मर जो हैं स्मार्ट वॉचेस हैं। GTR 2e में तो गाइज बैटरी बैकअप इतना है कि काफ़ी दिन तक चल जाती है, तो उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉचेस हैं MHP की ये दोनों। बट आपको GTS 2 मिनी में थोड़ी सी डिस्प्ले की साइज़ जो छोटा है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अगर आपको जो है थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए। अदरवाइज GTR 2e का डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इन्विजिबल लेते हैं आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये और खर्च करेंगे तो आपको उससे भी बेहतर जो है स्मार्ट वॉच मिल जाएगी एंड काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी प्रीमियम स्मार्ट वॉच लगती है MHP GTR 2e। तो गाइस आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको जो है पता लग गया होगा कि कौन से स्मार्ट वॉच एक्चुअल में आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहती है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।